हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। बेटा जैसा मैंने बताया था, सीयूटी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहा था सीयूटी के लिए मैं, तो पार्ट टू आज मैं पढ़ाऊंगा। और जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो पहले पार्ट वन देख के फिर पार्ट टू को वॉच करें। तो बेटा इसमें आपको मैं जो कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन क्या है, अलग टाइप का है। पार्ट वन में मैंने कुछ और पढ़ाया था, पार्ट टू में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इफ 24 पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास इन द रेशियो इन द वन मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तो आपको देखने में आसानी होगी। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे, इफ 24 पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास इन द रेशियो 5:2, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा, 5:2 में, ठीक है। द स्मॉलर शेयर इज, स्मॉलर शेयर क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एक मिस्टेक है प्रिंट में यहाँ पे, अगर ये 24 है इसको मैं 21 कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाओगे, क्योंकि मैं 24 रखूंगा तो डाटा डेसिमल में चला जाएगा, तो आप एक छोटा सा चेंज कर लीजिए, 24 को मैं 21 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि अगर 21 पेंसिल है और क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और रेशियो क्या है 5:2 का, द स्मॉलर शेयर इज, तो सबसे छोटा वाला शेयर क्या होगा। अब पहले रेशियो को क्वेश्चन को कैसे ट्रैकल करना है, या जो 5:2 है इसकी टोटल वैल्यू है, क्या टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है 5:2, 7, क्या बोलेंगे इसे 5:2, 7। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि कैसे बेसिक क्या होता है, क्योंकि अगर इस बात को समझ लिए ना तो बहुत से क्वेश्चन आसानी से आगे सॉल्व होंगे। मैंने इस रेशियो को ऐड कर दिया 5:7, दैट इज कॉल्ड टोटल। टोटल इक्विवेलेंट किसके है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल के 21 के, ठीक है। अगर ये 21 की इक्विवेलेंट है तो मैं आपसे पूछूंगा कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 21/7। अब ये बात इस पे नहीं समझ में आएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 पेन का दाम, 20 पेन का दाम कितना है 500 रुपए, कितने रुपए हैं 500 रुपए। मैं आपसे पूछूं एक पेन का दाम कितना होगा, आप तुरंत बोलोगे सर 500 / 20, 0 से 0 कैंसिल, 25 रुपीज होगा, कितना होगा 25। आपने क्या बताया, एक पेन का दाम 25 रुपए बताया, मैं एग्जांपल लिया हूं यहां पे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैं यहां पे चलता हूं, मैंने क्या कहा एक की वैल्यू बोला, तो कैसे निकला एक का वैल्यू, 7 में से यहां पे क्या हुआ 1 को, जैसे ये x होता है, यहां क्या होता है x, तो ये 7 क्या होता है नीचे आ जाता है, तो मैंने 7 को नीचे ले लिया। तो यहां मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको कि 1 की वैल्यू क्या है 21/7 है। अगर 1 की वैल्यू 21/7 है, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गया तो क्या हो गया 3, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। इस बात को समझना, 1 की वैल्यू क्या हो गई 3। अगर ये 1 की वैल्यू 3 है और क्वेश्चन में पूछा है स्मॉलर, स्मॉलर वैल्यू क्या है 2, स्मॉलर क्या है 2, तो मैं तुरंत आंसर दूंगा कि सिंपल सा क्या हो जाएगा भाई, 1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 3 = 6। मैं इसको और भी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन ये मैं जो समझा रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हो कि 1 = 3 है तो 2 = कितना हो गया 6, तो आगे बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेना, अगर लार्जर पूछता क्वेश्चन में तो क्या हो जाता आंसर, 1 की वैल्यू 3, लार्जर वैल्यू 5 है, 5 × 3 = 15 हो जाता, क्या रहता है 5 × 3 = 15, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट कि 1 की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम बहुत सी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करोगे कोई पूछेगा तो क्या होगा, अगर यहां पे और भी आसान तरीके से आप करना चाहो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बस समझ में आएगा आंसर कैसे आ गया, आंसर कैसे आ गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी थी 2, 21, 21 है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी थी 5 × 7, आप 7 से डिवाइड कर दिए, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6। लेकिन मेरे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो कई क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहां पे, अ प्रॉफिट ऑफ, एक मिनट क्वेश्चन आपका कुछ ढका हुआ है, ठीक है इसको देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1152 हैज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 7:8:9, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट है आपका 1152 और ये ए बी सी में बांटा गया, ए बी सी में किस रेशियो में बांटा गया, 7:8:9। टोटल प्रॉफिट कितनी है, टोटल प्रॉफिट है 1152। अगर मैं बोलूं अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कि टोटल प्रॉफिट और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, 8, 15, 15 और 9, 24। 24 इक्वल्स टू 1152, देयरफॉर 1 इक्वल्स टू 1152 अपॉन 24, ये 1 की वैल्यू हो गई। अब पूछा किसके बारे में, पूछा है बी के शेयर के बारे में, किसके बारे में पूछा है, बी शेयर, बी का शेयर भाई, यही पूछा है ना क्वेश्चन, देखो बी का शेयर तो क्या हो जाएगा, 1152 डिवाइड बाई 24, 1 की वैल्यू, अब बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 थ्री जा 24, आइए 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 थ्री जा 9, ठीक है 2 कैरी किया, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, आंसर क्या होगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 384 रुपीस। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार धीरे से एक बार और बैक में चले जाना, ठीक है, और क्लियर कर लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, दोबारा से समझा देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:7:11, इफ बी गेट्स रुपीज 1500 मोर देन ए, व्हाट इज अ बी शेयर, तो बी का शेयर कितना होगा। अब देखो ये अभी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अभी आपने ट्राई किया था खुद से, तो क्या देखा था इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ मनी जो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेम है ना क्वेश्चन, क्या है सेम है, 5:7:11, ठीक, बी गेट्स 1500 मोर, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आ गया कि जो बी है ना वह कितना 1500 ज्यादा पा रहा है किससे, ए से, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका 1500 का। अब देखो जो मैं बता रहा था कॉन्सेप्ट ना, उसी का बेनिफिट अभी आपको मिलने वाला है। अब यहां पे मैंने क्या सिखाया था, 1 के इक्विवेलेंट चीजें निकालनी है आपको, ये सिखाया था, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक, यहां बोला कि B जो है वह A से कितना ज्यादा पा रहा है, 1500। अब रेशियो में जरा डिफरेंस देखो, दोनों के रेशियो में डिफरेंस देखो, A कितना है बेटा, A 5 है और B कितना है 7, दोनों का डिफरेंस कितना है, B जो है 7-5, डिफरेंस कितना रहा है 2 का। अब देखो कि आप मजेदार कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया काम आने वाला है यहाँ पे, अगर B का 7 है और 5 का A का कितना है 5 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। अब ये 2 के बराबर क्या है, 1500 है बेटा, क्यों 1500 है, क्योंकि इसी 2 के कारण जो B है वो 1500 ज्यादा पा रहा था, 1500 ज्यादा पा रहा था, ठीक है, व्हाट इज द B शेयर, ठीक है। अब 2 की वैल्यू 1500 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फटाफट देखो 1500 बटे में 2 यानी 750 हो गई, कितनी हो गई, 1 की वैल्यू 750 हो गई, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था बी का शेयर, बी का शेयर कितना है 7, बी का शेयर कितना है 7, तो अगर बी शेयर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 750 अब मल्टीप्लाई कर लूंगा, उसमें बी का हिस्सा कितना था 7, 7 से 7 0 7 7 5 35 5 करके 3 7 49 352 5250, दिस इज योर आंसर, ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या निकालना था, बी का, और आपने बी का शेयर निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेशियो, इनर टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या हो गया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें सबसे बड़ा रेशियो कौन है, सबसे बड़ा रेशियो कौन है। निकालने के तरीके तो कई होते हैं, जो भी मैं सिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए,
फोर अपॉन फाइव, ऐसे कई मेथड्स हैं बेटा निकालने के लिए, लेकिन आप ध्यान देना इजी कौन है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, जो ऊपर होता है वही बड़ा होता है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट, दिस इज द ग्रेटेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट है तो ये हो नहीं सकता है, होगा तो यही होगा। आइए अब इन दोनों में कंपेयर करो, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटेस्ट कौन है, सेवन ग्रेटेस्ट है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, सिक्स अपॉन फाइव और सेवन अपॉन टेन, ठीक। अब ध्यान दो कि इसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो आप क्या कर दो, आप 10 से 6 का मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 60, और 5 से 7 का मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 35, 75 35। अब बताओ कौन बड़ा है, 6 अपॉन 5 बड़ा, दिस इज योर आंसर, एकदम क्लियर है, 60 इधर आ रहा है ना, तो कौन सा बड़ा है, 6 अपॉन 5, कैसे पता चला मुझे, 10 6 का 60, 5 7 का 35, ठीक है, दिस इज योर आंसर, कौन सा आंसर हो गया, 6 अपॉन 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अलग अलग इसमें वैरायटी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है, ए इज टू बी, क्या है, ए इज टू बी, 5 इज टू 3 है, यानी बोल रहा है ए अपॉन बी का रेशियो क्या है, 5 इज टू 3 है। अगर आपका वैल्यू पूछ दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसमें k लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5k 3k, ठीक है। तो इस k को लगाने का इंपैक्ट तब आता है जब यहाँ कुछ स्क्वायर दिया रहता तब, लेकिन यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, k क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए मैं सीधे 5 को रखता हूँ, ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है वैसे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले सीधे नहीं लिख रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, अच्छा यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस होगा, ठीक है 27। अब इसको मैं लेस किया तो कितना हो जाएगा 98, और यहाँ ऐड किया तो कितना हो जाएगा 550, कैरी किया 1, आपका 98 अपॉन 150, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 49 है, कितना आएगा 49, ठीक है 49 हो गया, यहाँ 75, ठीक 49 और 75 क्या आंसर आ रहा है 49 75, दिस इज योर आंसर, क्यों आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, कैसे पता चला, 7 के टेबल में ही आता है, ये 7 के टेबल में नहीं आता है, इसे दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x अपॉन y क्या है, 4 अपॉन 5 है, पूछ क्या रहा है, 7x plus 6y equals to 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कहूँ ये रेशियो है तो मैं इसे बोल दूँ 7k 5k, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 4k, x की वैल्यू कितनी होगी 4k, y की वैल्यू कितनी होगी 5k, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x की जगह रख दिया 4k प्लस y की जगह क्या रख दिया 5k, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप होगा, ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, 7 4 28k 6 5 30k 29, ऐड कर दिया कितना हो गया 58k 29, ठीक है, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 58, ठीक है, कैलकुलेशन सही है, चेक कर लीजिए, 7 4 28k 6 5 30 के तो 3 2 5 और 8, ठीक है। अगर मैं इसको डबल कर दूं, यानी क्या डबल दिख रहा है, नहीं है टेबल प्राइम नंबर है तो क्या होगा 2 टाइम्स में कटेगा, दिस इज कॉल्ड 1 अपॉन 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। अब मुझे क्या निकालना था, ये k की वैल्यू आई है, अब यहाँ y दिख रहा है आपको, y दिख रहा है, y इक्वल्स टू क्या था बेटा 5k, देयरफॉर इनटू 1 अपॉन 2, दिस इक्वल्स टू 2.5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.5। इसे कई तरीके होते हैं, ये सिंपलेस्ट वे है निकालने का, y इक्वल्स टू 5k, और k की वैल्यू आपने 1 अपॉन 2 लिखा था तो k की जगह 1 अपॉन 2 लिख दिया, 2 से कट गया 2.5, यानी y की वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में, और y की वैल्यू हमारी क्या होगी 2.5।
समझ में आ रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ 5x माइनस 2y अपॉन क्यों बोला, रेशियो है, अपॉन क्यों बोला बेटा, रेशियो है, ठीक है ना, माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y इक्वल्स टू 9 अपॉन 17। बोल क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x और 13y, 9x और 13y का वैल्यू फाइंड करो। ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं देगा कि आप सेकंडों में सॉल्व करके आगे निकल जाओ, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। आइए यहां पे देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। मैं इसे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 17 5x माइनस 2y 9x माइनस 2y। अब बच्चों अगर आप बेसिक बोल चुके हो तो मैं बता दूं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही होता है, है ना, याद रखिएगा। आइए करते हैं, 17 5 = 85, 72 = 34y, 9x माइनस 18y, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूंगा, x को एक तरफ शिफ्ट करूंगा, y को एक तरफ शिफ्ट करूंगा, ठीक है। x को एक तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 85x था पहले से, ये वाली वैल्यू उठ के इधर आएगी, माइनस 9x, यहाँ माइनस 18y था पहले से, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 34y, ठीक है। सॉल्व किया, कितना आ गया यहाँ पे, 5 गया और 4, 76x, क्या गया, 76x, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब यहां लेस किया, 34 में से 18 किया तो कितना हो जाएगा, 34 और 18 कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16y, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां क्या होने वाला है, x, मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, ठीक है, x को मैं यहीं रहने दिया, ठीक है, और 16 को यहां रहने दिया, y को नीचे लाया, ठीक, और यहाँ क्या लाया नीचे, 76। मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, देखो x अपने प्लेस पे है, y को मैंने नीचे ला दिया, देखो y को यहाँ लाया हूँ नीचे ना, और 76 इसके प्लेस पे चला गया और 16 अपने जगह पे। आइए इसको छोटा कर लेते हैं, 4 4 = 16, और यहाँ कट किया तो 4 1 = 4, और 3 3 से किया तो कितना हो जाएगा, 4 9 = यहाँ पे क्या आ गया, 4 और 19, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 19। क्वेश्चन में क्या था, 9x और 13y का वैल्यू बताना था, 9x और 13y का वैल्यू, x बराबर क्या है, 4, x बराबर क्या है बेटा, 4, तो यहाँ पे मैं 4 पुट कर लूंगा, और y बराबर क्या है यहाँ पे, 19, ठीक है। अभी आपने वैल्यू यहाँ निकाला है तो इसे हम यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर मेरा आ जाएगा, कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कट नहीं रहा है, ऊपर हो जाएगा 36 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 93 + 57 = 7, कैरी किया 5, 19 + 19 = 5, 24, दिस इज योर आंसर, 36/247, ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सीखने वाली बात आ गई है ना, सीखने वाली बात आ गई है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है, कुछ इसमें आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है देखो, क्या ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप कुछ नए ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो दिया क्या है बेटा, ए अपॉन बी का रेशियो दिया है 5/6, पूछा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो क्या ट्विस्ट होने वाला है इस क्वेश्चन में, यहाँ के है यहाँ के है, आपने पुट किया सर 5k पुट कर देता हूँ यहाँ, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या पुट कर देता हूँ 6k, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पुट कर देता हूँ 5k क्यूब, अब यहाँ पुट कर देता हूँ 6k का क्यूब। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ध्यान दोगे, ऊपर स्क्वायर आ रहा है नीचे क्यूब आ रहा है ना, ऊपर स्क्वायर आ रहा है नीचे
क्यूब आ रहा है, तो यहाँ का वैल्यू एग्जैक्ट आपको पता चलने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों, देखो क्या हो रहा है, 25k² - 36k² ठीक है। यहाँ क्या आया बेटा, 125k³ - 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ठीक है, k का क्यूब। अब आप देखो कि इसको लेस किया तो आपको क्या मिला, 6 हो गया, और यहाँ पे 5 11 के लेस करना है, ठीक है, ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू क्या हो गई, प्लस थी ना, ये सॉरी यहाँ प्लस था, ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 का 1 कैरी किया 1 और 4 और 2 1 3 341 के। अब आप क्या करोगे, जब इसको कैंसिल करने जाओगे तो क्या के बच जाएगा, के क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, के वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट। तो अगर ऊपर वैल्यूज में डिफरेंस है तो इसका आंसर निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा क्या था इसमें डिफरेंस, क्या था इस क्वेश्चन में, स्क्वायर में आंसर नहीं निकलने वाला है, अगर ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, दोनों रहता क्यूब क्यूब तो क्या होता, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाता, लेकिन एक ऊपर स्क्वायर रह गया नीचे क्यूब रह गया, तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या होगा, आपका आंसर फाइंड नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में नया कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो, बस आपके दो क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इसमें नया कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या नया कॉन्सेप्ट है, 2a 3b 5c, और रेशियो किसका पूछा है, a:b:c का। अब आप देखो इसमें बड़ा आसान सा एक ट्रिक है जो आप बहुत इजी वे में सीख सकते हो, जब भी इसमें इस तरह का वैल्यू दे दे 2a 3b b = 5c, आपको करना क्या है कि अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, a की, तो a की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 2a 3b 5c है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको निकालना है a:b:c, करना क्या है, बस इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो हाथ से, ठीक है, क्या बचा 3 और 5 बचा, इसको क्या लिख लो, मल्टीप्लाई करके 3 5 15, खुद में इंटरेस्ट नहीं रखना है, दूसरे में इंटरेस्ट रखना है, यानी दूसरे वाले वैल्यू को लेके साथ में चलना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3b को ढको, क्या बचा, 5 2 10, दिस इज 10, ठीक है। आपने 5c को ढका, क्या बचा, 3 और 2 3 2 6, दिस इज योर आंसर, बहुत सिंपल था, ठीक है। अपना वैल्यू छोड़ के दूसरे के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक, अगर 2 को ढका तो 3 5 15, 3b को ढका तो 2 5 10, 5c को ढका तो 2 3 6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, जल्दी से कर डालिए, आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, करिए फटाफट फिर मैं बताता हूँ। हाँ हो गया आंसर, आ जाएगा आप लोग को आसानी से आ जाएगा, ठीक है। क्या करना था, पहले वाले को ढकना था 5 4 20, आ गया, बीच वाले को ढकना था 3 4 12, ठीक है, लास्ट वाले को ढकना था 5 3 15। अभी क्या किसी कॉमन फैक्टर से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, दैट इज योर आंसर, ठीक है, 20:12:15। अब आ गया है आपका एक लास्ट क्वेश्चन, और इसे आप करिए होमवर्क में, और होमवर्क में करके और हमें आंसर कमेंट करिए, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है, एज अ होमवर्क है, इसको करिए, दिमाग लगाइए, और अगर आप कमेंट में आंसर करेंगे आपका सही होगा तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, इस क्वेश्चन का इसे कैसे सॉल्व करना है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।